नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सरिता गुप्ता आपके अपने कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ मातृ दोष जी। कुंडली में अगर मातृ दोष हो तो रिश्तों में बहुत खटास आती है और जो जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं जिनसे हम छुटकारा नहीं मिल पाता। आप में से ज़्यादातर लोग पितृदोष के बारे में जानते होंगे या फिर आपने सुना होगा। हिंदू परंपरा में पितृदोष की शांति के लिए बकायदा पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध का प्रावधान भी है, लेकिन शायद ही कम लोगों ने मातृदोष के बारे में सुना होगा। क्या होता है मातृदोष और कुंडली में अगर मातृदोष है तो उसके क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं, आइए वो जानते हैं। क्योंकि परेशानी चाहे कोई भी हो, उसका छुटकारा या उससे परेशानी से निजात पाना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में कौन से ग्रहों की स्थिति मातृ दोष बनाती है, यह जानने से पहले हम ये जानते हैं या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दोष के प्रभाव के बारे में, अर्थात अगर कुंडली में मातृ दोष है तो कौन सी परेशानियाँ आपके साथ हो सकती हैं और किन लक्षणों से उसको जाना जा सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि अगर आप मानसिक रूप से अशांत रहते हैं और किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगता है और कोई कार्य करने का दिल नहीं करता तो बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है कि आपकी कुंडली में मातृ दोष हो। अगर आपका डिप्रेसिव मूड रहता हो, रिश्तों में खटास रहती हो, माता से संबंधों में खटास रहती हो, बिना किसी बात पे मम्मी से झगड़ा हो जाता हो, बात बात पे संबंध बिगड़ जाते हो, ऐसा भी मातृ दोष के कारण होता है। इस दोष के कारण व्यक्ति को संतान सुख में भी बाधा आती है और ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य अमूमन खराब हो जाता है। कुंडली से कैसे पता चलेगा मातृ दोष का, आइए जानते हैं। चंद्रमा को माता का कारक कहा गया है। अगर चंद्रमा का राहु के साथ युति या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो मातृ दोष बनता है। राहु व चंद्रमा एक ही डिग्री के होकर कुंडली के चौथे या दसवें भाव में हो तो भी मातृ दोष बनता है। चंद्रमा व शनि पंचम भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी वक्री या अस्त होकर बारहवें भाव में हो तो भी मातृ दोष लगता है। इसके अलावा चंद्रमा राहु सूर्य लगन भाव में हो, जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी आठवें या बारहवें भाव में भी हो तो मातृ दोष होता है। आइए जानते हैं अगर मातृ दोष है तो क्या उपाय करें। सबसे पहले चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह, चाहे राहु है या केतु है, या तो आप सबसे पहले उन ग्रहों की शांति करानी चाहिए। राहु केतु की शांति कराने के बाद, उनके मंत्रों का जाप कराने के बाद चंद्रमा को प्रबल करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिवजी भगवान की पूजा करना और जो है वहाँ पर अगर कोशिश करें कि सावन के सोमवार में पूरे के पूरे सोमवार शिवजी जी को जल चढ़ाया जाए, रुद्राभिषेक कराया जाए तो बहुत ही लाभ मिलता है। मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन सबसे बढ़िया रहता है और गायत्री मंत्र का जाप करना भी बहुत ही लाभकारी रहता है। छोटे छोटे बच्चों को, 10 साल से छोटे बच्चों को वाइट रंग की वस्तुओं का, खाने पीने की वस्तु जैसे खीर बर्फी पेड़ा आदि देने से भी लाभ होता है। और राहु की वस्तुएं यानी कि धनिया या जो है नारियल है वो पानी में बहाने से भी लाभ मिलता है। वो सब आपकी कुंडली में देख करके पता लगाया जा सकता है कि कुंडली में किस भाव में ये दोष बन रहा है, किस तरीके से उस दोष का निवारण होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग बन रहा है और आप चाहते हैं कि निवारण करना और आप लाभ पाना चाहते हैं, जीवन में हर परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस मातृ दोष का उपाय कराइए तो आपको जरूर लाभ होगा। धन्यवाद।